दोस्तों, आप सबके घरों में डिश टीवी या डीटीएच सर्विस जरूर लगा होगा, जिससे आप अपने घर में बैठ के अपने टेलीविज़न पे उन चैनलों का मज़ा ले पाते हैं जिसका सब्सक्रिप्शन आप अपने डिश टीवी सर्विस प्रोवाइडर से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में टाटा स्काई, एयरटेल और भी बहुत सारे डिश टीवी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो डिश टीवी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एयरटेल का लेता हूँ। अगर आपने अपने घर में एयरटेल लगाया है और आप अपने अकॉर्डिंगली चैनल सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज तक एबीपी न्यूज़, सोनी टीवी, कलर्स, एनडीटीवी, सोनी मैक्स, जियो न्यूज़ और न्यूज़ 24, तो आप इसके ट्रांसमिशन के लिए आप उतना ही पे करेंगे जितना इनका चार्ज है इन चैनल्स का। तो ये ट्रांसमिशन एक सर्विस प्रोवाइडर से, ये सर्विस प्रोवाइडर्स है, इस सर्विस प्रोवाइडर से सैटेलाइट के थ्रू आपके घर तक कैसे होता है, तो मैं आज इस वीडियो में यही बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी भूलने नहीं वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लें और आप चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम है इरफान खान, चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें दो चीज़ें आती है जो आपने डिश टीवी अपने घर में लगवाया है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एयरटेल का, जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। अब वो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि ये उसका सर्विस प्रोवाइडर का टीवी स्टूडियो है, वो आपको सैटेलाइट के थ्रू आपके घर तक उस डिश टीवी का ट्रांसमिशन कैसे करता है, पहले ये जानना है। सेकंड, जो आपने चैनल सेलेक्ट किए हैं और जिसका आप चार्ज जो है उस सब्सक्राइबर को दे रहे हो, वही चैनल आपके घर पर कैसे आते हैं डिश टीवी के थ्रू। दोस्तों, पहले हम ये देख लेते हैं जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था एयरटेल, वो सर्विस प्रोवाइडर जो है आपके घर तक सैटेलाइट के थ्रू कैसे डिश का ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका स्टूडियो, जहाँ से वो जो है अपलिंक फ्रिक्वेंसी देगा सैटेलाइट को, सैटेलाइट जो है वो आपके घर तक ट्रांसमिट करेगा। तो पहले जो होगा सर्विस प्रोवाइडर का स्टेशन हो गया, फिर सैटेलाइट हो गया, फिर आपके घर का एंटीना हो गया जो उसको रिसीव करेगा सिग्नल को। तो अब जैसे कि ये है सर्विस प्रोवाइडर का स्टूडियो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक अपलिंक स्टेशन होगा, जो कि अपलिंक स्टेशन के अंदर जो है एक अपलिंक जो है एंटीना होगा हाई फ्रिक्वेंसी का, जो कि KU वैन पे काम करेगा। अब KU वैन की फ्रिक्वेंसी जो होती है 10.7 GHz से होती है 12.75 GHz तक, और सी बैंड पे भी काम करता है ये। मगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ KU वैन का, तो ये क्या करेगा जो है सर्विस प्रोवाइडर, ये एक अपलिंक जो भेजेगा वो सैटेलाइट को देगा। अब सैटेलाइट के बारे में बता देता हूँ, सैटेलाइट जो होते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मीन्स स्टेबल होते हैं, या मैं कहूँ जो अर्थ है, अर्थ से 36,000 किलोमीटर अवव होते हैं अर्थ से, और वो जो होते हैं ऑर्बिट में होते हैं, वहाँ पर स्टेबल होते हैं। तो जिसके मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये जो है एक इंडिया का सैटेलाइट लगा है। ठीक है, इंडिया का सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का नाम है GSAT-15, जो कि इंडिया के, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है अर्थ से यानी कि धरती से 93.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, इस सैटेलाइट का। ठीक है, और ये आपका होम है। अब आपके होम की बात करें तो आप होम में क्या होता है कि आपने पहले डिश लगवा लिया, ठीक है, एंटीना आपका लगा है, और एंटीने के ऊपर जो होती है LNV होती है, LNV जो होती है लो नॉइस ब्लॉक कहते हैं हम उसको, या हम लो नॉइस कन्वर्टर भी कहते हैं। इसका काम क्या अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, आपके LNV से घर में एक रिसीवर लगा होता है, रिसीवर से आपके टीवी में कनेक्शन हो जाता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अब क्या करेगा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर का जो स्टेशन होगा वो क्या करेगा, एक अपलिंक सिग्नल जो कि हाई फ्रिक्वेंसी का होगा, गीगा हर्ट्स में, वो सेटेलाइट को देगा। सेटेलाइट क्या करेगा,
वो आपका रिवर्ट कर देगा इसको आपके होम तक। अभी होम तक कैसे, इसको एड्रेस कैसे पता होता है, एक कैरियर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है आपको। एक कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है तो वो सिग्नल कैरियर फ्रिक्वेंसी के थ्रू आपके घर तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब आपके घर तक आ गया। घर पर क्या है, ये LNB जो लगी होती है एंटीने के ऊपर, आपने देखा होगा, वो सिग्नल को रिसीव करती है और सिग्नल आपके घर तक आता है। जो वो कुछ वीक भी हो जाता है तो LNB उसको एम्पलीफाई भी करती है। एम्पलीफाई करने के बाद वो रिसीवर पे जाती है। रिसीवर क्या करता है, उसका मॉड्यूलेशन कर लेता है। मॉड्यूलेशन का मतलब जो उसका ओरिजिनल सिग्नल है वो उसको रिट्रीव कर लेता है, मतलब उसको कलेक्ट कर लेता है और फिर आपके TV तक पहुंचा देता है। और जो एंटीना आपके घर पे लगा होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये सैटेलाइट्स की जो पोजीशन है, जो एंगल ऑफ स्टेबलाइजेशन है इसका, वो 93.5 डिग्री ईस्ट है अर्थ से, धरती से। तो जब आप अपने घर पे एंटीना लगाते हैं तो उसको जो है उसी एंगल पे लगाएंगे, 93.5 डिग्री ईस्ट, जिससे कि आपको इसका रिसेप्शन हो सके इसका सिग्नल का। अगर आपका ये एंटीना जरा भी टिल्ट होगा या इधर होगा तो आपके बेटर सिग्नल नहीं आएगा, हो सकता है आपका सिग्नल ही आना बंद हो जाए। तो कभी भी देखते होंगे घर पे जो होता होगा, अमूमन ये हिलते नहीं हैं, कभी कभी होते हैं टूट जाते हैं या फिर गिर जाते हैं किसी वजह से, तो आपको बुलाना पड़ता है इसके सर्विस प्रोवाइडर को, आप कॉल करते हैं, वो आता है फिर इसको वो एडजस्ट करता है। तो उसके पास जो होता है, एक जो होता है डीबी मीटर कह लें या स्पेक्ट्रम मीटर होता है, तो उससे क्या करता है वो उसको इस एंगल पे फिक्स करता है। और जो कोएक्सियल केबल है, जो इससे केबल लगाएंगे आप LNB से आएगी, उसको वो डीबी मीटर लगाएगा और वहाँ से वो चेक कर लेता है कि सिग्नल पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये था कि आपके घर तक जो है वो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो आपने पैकेज सेलेक्ट किए थे अपने सर्विस प्रोवाइडर से और उन्हीं का आप चार्ज कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे मिलते हैं, आपका सर्विस प्रोवाइडर कैसे देता है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये वाला जो है सेटेलाइट बताया था, इंडिया का सेटेलाइट GSAT-15, जो कि इंडिया के 93.5 डिग्री ईस्ट पर है। ठीक है, यही मान लीजिए, ये जो सेटेलाइट है, ये जो ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि ये डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी जो दे रहा है, ये वाली डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी जो आप रिसीव कर रहे हैं, डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी, फॉर एग्जांपल इस सेटेलाइट पे ये सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, ये सारे चैनल्स, और ये एक डाउनलिंक दे रहा है हमें जिसको हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो है चैनल्स अवेलेबल है इस सेटेलाइट पे, हो सकता है और भी बहुत सारे चैनल अवेलेबल्स हैं, मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सेटेलाइट पे जो है मोर देन 200 चैनल्स हैं इस सेटेलाइट पे। ठीक है, और इंक्लूडिंग दिस चैनल, ये वाले चैनल भी हैं और भी बहुत सारे इस पे चैनल्स हैं, मोर देन 200, 300, 400 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है कितने इस सेटेलाइट जो है वो डाउनलिंक पे ट्रांसमिट कर रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो है हमने एक एंटीना लगाया डाउनलिंक रिसीव करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया LNV है ये, ठीक है, जो कि जो है डाउनलिंक सिग्नल को रिसीव करती है, एंटीना के ऊपर लगी होती है। ठीक है, और उसको सिग्नल को एम्पलीफाई भी करती है। अब रिसीव करने के बाद जो है, और एक बात तो मैं और आपको बता दूं, जैसे कि आप देखते होंगे पहले जो था, आज से अगर 15 साल पीछे जाएं तो हमारे घर में जो है डिस्ट वो आता था, केबल कनेक्शन जो हमें प्रोवाइड करता था हमारा सर्विस, वो हमसे 200 रुपये लेता था या फिर 150 लेता था, 100 भी लेता था, और वो उसमें करीबन 150-200 चैनल देता था। तो ये उसका एग्जाम्पल भी एक तरीके से, ये पूरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम बात कर रहे थे चैनल्स की, कि चैनल्स का सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो है सेटेलाइट, इस पर मोर देन 200, 300, 400 इस पर चैनल्स अवेलेबल है। अब एक एंटीना हम लगा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है एक एंटीना लगाएगा। ठीक है, एंटीना क्या करेगा, वो सारे सिग्नल को रिसीव करेगा। ठीक है, सारे चैनल्स को रिसीव करेगा। सारे चैनल को रिसीव होने के बाद आपके LNV से कोएक्सियल केबल लगी होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
एट वे स्प्लिटर या कंबाइनर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एट वे स्प्लिटर या कंबाइनर कहते हैं, इसका काम क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो कि क्या करता है, ये जो सिग्नल आ रहा है इन, इसमें इसका जो भी सिग्नल आ रहा है उसको इक्वली डिवाइड कर देगा, एट में, एट वे स्प्लिटर है ना, स्प्लिट कर देगा एट वे में, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए आउट जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1 देता हूँ, अब जैसे कि मैंने बताया था जी, यहाँ से जो सिग्नल आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ से एग्जांपल लिया था, इसके बाद हम रिसीवर लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें 8 रिसीवर जरूरत की पड़ेगी, रिसीवर 1, रिसीवर 2 3 4 5 5 6 7 8, ठीक है। अब रिसीवर के इन जो स्प्लिटर का एक एक इनपुट आउटपुट निकला है, उसके रिसीवर के इनपुट में दे देंगे, ठीक है, रिसीवर के इनपुट 2 में, ठीक है, सारे ऐसे दे देंगे हम ये रिसीवर के इनपुट में, ठीक है। ये कोएक्सियल केबल के थ्रू आ रहा है, ध्यान रखिए, कोएक्सियल केबल जो आपके घरों में होती है, डिश टीवी में लगी होती है वो। अब चूंकि मैं अभी 8 चैनल की बात कर रहा हूँ, हम 8 चैनल से ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने 8 वे का स्प्लिटर लगाया और 8 हमने रिसीवर लगा दिए, ठीक है। अब अभी तक क्या है, इस सेटेलाइट, ये सेटेलाइट जो है हमारे, बहुत सारे इसमें चैनल्स है, ठीक है, मोर देन 200 300 चैनल है, ठीक है, और केवल हमें 8 चाहिए। तो हमने 8 रिसीवर निकाला। अभी रिसीवर जो यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो इसका ओरिजिनल सिग्नल है वो इसमें आ जाएगा, रिसीवर उसको मॉड्यूलेट कर देगा, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, गेटिंग द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटर सिग्नल, अगर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा हो तो, ठीक है। उसके बाद रिसीवर जो होगा वो 2 आउटपुट देता है, एक देता है कोएक्सियल आउटपुट, फॉर कोएक्सियल आउटपुट जैसे हमने यहाँ देखा था, यहाँ से कोएक्सियल आउटपुट आएगा और आपके टीवी में डायरेक्ट लग जाएगा, और आप जो है तो आपके टीवी में सारे चैनल्स आने लगेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 200 चैनल दे रहा है, 200 चैनल आप रिसीवर से लिया, रिसीवर आपके टीवी में रिसीवर से टीवी में चला गया और यहाँ पर 200 चैनल आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे अभी क्या है, आपने उसका सिलेक्शन नहीं किया है कि आपको कितने चैनल चाहिए कितने नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा क्या होगा, ऑडियो वीडियो का होता है रिसीवर के अंदर। अब एक होती है आपके रेड वायर और एक होती है आपकी वाइड वायर, ऑडियो वीडियो की आती है, ठीक है। तो ऐसे ही सब में हो गया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इस वाले रिसीवर में भी, इसमें भी इसमें भी, 8 रिसीवर तक ऐसी, ठीक है। अब हम लगाते हैं मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब जैसे कि 8 रिसीवर तो 8 मल्टीप्लेक्सर होंगे, अब इसका मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है वही बताता हूँ मैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का काम ये होता है कि इस अभी यहाँ पर सारे बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे ने बताया सेटेलाइट से बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं, तो हमें क्या है, इस रिसीवर से केवल हम 1 चैनल लेंगे, जैसे इस रिसीवर से पहले नंबर पर आज तक ले लेंगे हम इससे, ठीक है। इस वाले रिसीवर से हम निकालेंगे बहुत सारे चैनल्स में से 1 चैनल्स निकालेंगे, एबीपी न्यूज़ निकाल लिया, रिसीवर 3 में आ रहे हैं, इससे निकालेंगे हम सोनी TV 3 नंबर पे, ठीक है। 4 नंबर पे निकालेंगे हम कलर्स, 5 नंबर पे NDTV, 6 पे सोनी मैक्स, 7 पे न्यूज़ जी न्यूज़, 8 पे न्यूज़ 24, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं, अभी मिक्सर के पास बहुत सारे चैनल पोर्ट हैं, मिक्सर के इनपुट में ऑडियो वीडियो सिग्नल आया, ऑडियो वीडियो सिग्नल और बहुत सारे इसमें चैनल्स प्रेजेंट अभी यहाँ पर, देखिए मिक्सर पे ये वो, सॉरी मल्टीप्लेक्सर पे, ये मल्टीप्लेक्सर है, मिक्सर का भी बताऊंगा, ये मिक्सर है, इसका क्या काम है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर पर आ गया, देखिए इस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लेक्सर पे, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का काम होता है many to 1, यानी कि बहुत सारे चैनल्स होंगे उसमें से 1 चैनल निकाल लेगा जो हमें चाहिए। अब वो कैसे निकालेगा वो भी मैं बताता हूँ। तो जैसे कि हम मल्टीप्लेक्सर 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे चैनल प्रेजेंट है, बहुत सारे जितने भी सेटेलाइट दे रहा है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, आज तक चाहिए। तो मल्टीप्लेक्सर का एक इंटरफेस होगा, अब जो चैनल्स होता है उनकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर होते हैं फ्रिक्वेंसी, पोलराइजेशन, एसिलोरेट और FEC, ठीक है। अब आज तक जो है,
आज तक इस सैटेलाइट पे जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो 11,510 है, ठीक है। पोलराइजेशन क्या है? वर्टिकल है इस सैटेलाइट पे। स्लू रेट क्या है? 29,500। एफईसी क्या है? 3/4। तो जो इसका इंटरफेस आएगा मल्टीप्लेक्सर का, वो हमें ये चार पैरामीटर देने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, ये दे देंगे हम इसमें। जैसे हम इसमें देंगे तो ये क्या करेगा, जितने सारे जितने भी सैटेलाइट हमें चैनल्स दे रहा था, 200, 300, 400, तो उनमें से केवल हमें ये आज तक वाला चैनल इसके मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर केवल एक चैनल होगा, ठीक है। और यहाँ कितने होंगे? बहुत सारे होंगे जो सैटेलाइट से हमारे आ रहे हैं, मल्टीपल मल्टीपल। तो मिक्सर का काम क्या हुआ? मैनी टू वन, बहुत सारे चैनल आ रहे हैं तो उसमें से एक चैनल निकाल दिया ये फ्रिक्वेंसी डाल के, ठीक है। अब मिक्सर वो मल्टीप्लेक्सर से, मल्टीप्लेक्सर वन से क्या है, हमने एक सिग्नल ले लिया, मतलब एक चैनल ले लिया। फिर दूसरे वाले से हम ले लेंगे, ऐसे ही इसकी फ्रिक्वेंसी लगाएंगे। मैंने यहाँ पर केवल आज तक की फ्रिक्वेंसी लिखी है, बाकी सबके नहीं लिखी है, बस बताने के लिए आपको, ठीक है। एबीपी न्यूज़ हम मल्टीप्लेक्सर 2 से निकाल लेंगे, और सोनी टीवी हम 3 से निकाल लेंगे, कलर्स हम मल्टीप्लेक्सर 4 से निकाल लेंगे, ठीक है। एनडीटीवी हम मल्टीप्लेक्सर 5 से निकाल लेंगे, और सोनी टीवी हम मल्टीप्लेक्सर 6 से निकाल लेंगे, और हम जी न्यूज़ हम जो है हम 7 से निकाल लेंगे, और 8 से निकाल लेंगे हम न्यूज़ 24। अब यहाँ से एक एक चैनल सारे 8 निकल गए जो हमें चाहिए थे, ठीक है। इसके बाद सारे मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट जो हैं, जिसमें एक एक चैनल है, वो मिक्सर में जाएंगे, ठीक है। ये 8 चैनल का मिक्सर है, यानी कि 8 चैनल का मतलब है इसमें 8 चैनल को मिक्स कर देगा। अब बहुत सारे चैनल्स आए, उनको यहाँ पर मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। मिक्सिंग मतलब कहने का मतलब है ये बहुत सारे मिक्सिंग करके, और ये यहाँ से फिर एक आउटपुट निकाल देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिक्सर में आने के बाद इसने क्या करा है, एक आउटपुट निकाल दिया, यानी कि वो सारे चैनल को मिला के एक आउटपुट निकाल दिया, और एक आउटपुट में सारे चैनल्स अवेलेबल हैं 8 के 8, ठीक है। अब यह है मिक्सर आउटपुट, आरएफ सिग्नल निकाल दिया इसने, ठीक है। वो यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा अभी बताऊँगा। अब आपको पता लग गया कि जो 8 चाहिए थे वो कैसे हम निकाल लेंगे एक में आरएफ मिक्सर के आउटपुट से। अब ऐसे ही मैंने बताया इसमें, अब सेटेलाइट से बहुत सारे सिग्नल आ रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 8 के अलावा और सारे चैनल्स भी लेने हो तो आपको एक स्प्लिटर और लगाना होगा, 8 वे का या 16 का जो भी, ठीक है। और सेम प्रोसीजर ऐसे करना है, सेम प्रोसीजर ऐसे करना है, ठीक है। करने के बाद जो आउटपुट आएगा, आप उस आउटपुट को इस आउटपुट को एक मिक्सर और लगा के आपको मर्ज करके एक निकाल लेना है, एक एक सिग्नल, ठीक है। अब ये तो था कि इंडिया का चाहिए आपको, ठीक है। अब ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चैनल चाहिए, जैसे बीबीसी चाहिए आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा बीबीसी चाहिए। बीबीसी तो इंडिया का नहीं है, बीबीसी तो बाहर का है, यूके का है, ठीक है। बीबीसी चाहिए और सारे चाहिए, जैसे बीबीसी अलवा, ठीक है, ये सारे यूके के हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यूके का सेटेलाइट है ये, इसके एक पोजिशन होगी, यूके का सेटेलाइट है जो कि इसका नाम है बीबीसी फ्री अस्त्रा 2E 2F 2G, इसका पूरा नाम है, यूके का सेटेलाइट है। इस पे सारे बीबीसी के जो है चैनल्स होते हैं, ये मैंने बिल्कुल इंटरनेट से लिया है सारा, आपको करेक्ट बता रहा हूँ ये, और इसका भी सेटेलाइट का, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंसी भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब ये सेटेलाइट जो है अर्थ से 28.2 डिग्री ईस्ट पर है, ठीक है, इसकी लोकेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब हमें क्या, इस सेटेलाइट से हमें कुछ चैनल चाहिए, जैसे मान लिया हमें बीबीसी चाहिए, ठीक है। बीबीसी के बहुत चैनल होते हैं, बीबीसी हिंदी, बीबीसी इंग्लिश, बीबीसी बहुत सारे होते हैं, फिर बीबीसी अलवा। तो ऐसे ही मैंने इससे भी मैं 8 चैनल निकाल लेता हूँ, ठीक है। मेरी डिमांड जो है, मुझे और भी चैनल चाहिए, तो मैं इससे 8 चैनल निकालता हूँ। सेम प्रोसीजर मैं ऐसे करूँगा, इस सेटेलाइट से 8 चैनल निकालता हूँ, 8 बे बिल्कुल सेम किया है मैंने यहाँ पर, इसलिए डेड करके लगा दिया है, ठीक है। मिक्सर से मैंने चैनल निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पर 8 चैनल निकाल लिया। अब वो 8 चैनल कौन से हैं? बीबीसी, ठीक है, और इस बीबीसी, ये मैंने बीबीसी निकाला है यहाँ से, ठीक है, बीबीसी और बीबीसी, ठीक है, और बाकी 8 8 तक निकाले मैंने, डेड करके ऐसे लिख दिया बीबीसी अलवा आखिर में, ठीक है। तो मुझे यहाँ से चाहिए था बीबीसी, यहाँ से मुझे बीबीसी चैनल चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर ये मिक्सर जो होगा मिक्सर वन पे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वन नंबर पे लिया है, तो वन नंबर से रिसीवर हो गया इसका वन और मिक्सर हो गया वन। तो इसके मिक्सर में क्या करूँगा मैं, बीबीसी चैनल चाहिए मुझे केवल, तो इसकी फ्रिक्वेंसी डालूंगा। फ्रिक्वेंसी कितनी है, 10.803 डाल दूंगा। पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल है, SR जो है 22,000 है, FEC 5/6। तो यहाँ से इस मल्टीप्लेक्सर से एक बीबीसी निकल जाएगा मेरा, मुझे बीबीसी चाहिए था, और बाकी चैनल भी 8 तक जो है वो भी सारे निकल जाएंगे ऐसे ही, ठीक, निकल के इस मिक्सर के आउटपुट से आ गए। तो यहाँ पर क्या है, 8 चैनल यहाँ पर हो गए जो मुझे चाहिए थे, अब 8 चैनल यहाँ पर हो गए, ठीक है, बीबीसी के भी हो गए। अब मैं क्या करूँगा, ये आपका होम है, ठीक है, आपके होम तक मुझे पहुँचाना है इन चैनल्स को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक जैसे हमने यहाँ पर लगाया था 8-वे स्प्लिटर लगाया था, और कंबाइनर, ये दोनों काम करता है, 8-वे स्प्लिटर प्लस कंबाइनर। फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा था, यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल थे, यहाँ पर प्रेजेंट थे, एक ही मतलब एक ही इनपुट में बहुत सारे चैनल्स थे, और उसको डिवाइड कर रहा था इक्वली सब में, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब एक कंबाइनर लगा देता हूँ जो कि दो उसका होगा, 2-to-1 होगा, DM2 जिसे कहते हैं। ये क्या करेगा, दो इनपुट को लेगा और एक आउटपुट निकाल देगा। तो यहाँ से 8 चैनल ये आ रहे थे, ठीक है, और 8 चैनल ये आए, इन दोनों को कंबाइन करके ये आपके टीवी में दे देगा, ठीक है। अब आती है सर्विस प्रोवाइडर की, सर्विस प्रोवाइडर क्या करता था, अब सर्विस प्रोवाइडर ने जैसे आपने चैनल सेलेक्ट किया, ऐसे ही वो सारे चैनल निकाल लेगा जितनी आपको डिमांड है उनके सेटेलाइट से, ठीक है। जो जो सेटेलाइट है, फॉर एग्जाम्पल आपको CNN चाहिए, और भी अफ्रीकन चैनल चाहिए, या कोई अरबिक चाहिए, अरबिक क्या होगा आपका, अरब सेट होगा, नाइल सेट, तो वहाँ से ऐसे ही उनको अपने एंटीना लगाने होंगे सर्विस प्रोवाइडर को, और ऐसे वो वहाँ से निकाल लेगा चैनल्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्विस, आप यहाँ से ने 8 चैनल ले लिए, ठीक है, यहाँ से BBC ले लिए, और ये कंबाइन करके आपके घर दे देगा, ठीक है। अब मैं सीधे घर नहीं जोड़ता हूँ यहाँ, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया था, एयरटेल का सर्विस प्रोवाइडर है आपका, तो ये क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पर जो है स्टूडियो है, ठीक है, स्टूडियो लगा देता हूँ मैं एयरटेल का यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या करेगा आपके, इसका एंटीना लगाएगी, ठीक है, यहाँ पर मैं एक एंटीना लगा देता हूँ, ठीक है। ये एंटीना जो है वो फिर अपलिंक ट्रांसमिट करेगा जो भी इसका सेटेलाइट होगा उसको, और सेटेलाइट का करेगा आपके घर तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सिग्नल पहुंचाता है। तो दोस्तों आपको मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है, और आज के बाद आप इसको वीडियो को देख लेंगे पूरा, अगर आपने देख लिया होगा तो आज के बाद भूलेंगे नहीं कैसे जो है सेटेलाइट टीवी हेड स्टेशन काम करता है। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये कंप्लीट है कैसे काम करता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसको शेयर ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी आने वाली वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों आगे तक की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।